मारुति की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट ईवीएक्स पेस, सिंगल चार्ज में 550 किलोमीटर की रेंज, एमजी लाई नई हेक्टर। एशिया के सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो दिल्ली में शुरू हो गया है। ऑटो एक्सपो के 16वें एडिशन को द मोटर शो नाम दिया गया है। इवेंट में सबसे पहला अट्रैक्शन मारुति का रहा। मारुति ने इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट ईवीएक्स पेश की। कंपनी ने इसे इमेजिनेक्स्ट विजन के साथ पेश किया है। सिंगल चार्ज में यह एसयूवी 550 किलोमीटर चल सकेगी। मारुति का दावा है कि सुजुकी की बनाई नई एसयूवी में परफॉर्मेंस के साथ एडवांस कनेक्टिविटी फीचर्स मिलेंगे। मारुति की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल की यह पहली पेशकश है। नई एसयूवी के प्रेजेंटेशन के लिए कंपनी ने मेटावर्स का इस्तेमाल किया है। मारुति ने इलेक्ट्रिक एसयूवी प्रोडक्शन के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है। एमजी मोटर्स ने ऑटो शो में अपनी प्रीमियम कार हेक्टर का फैसिलिफ्ट पेश किया। इस मॉडल में कंपनी ने 11 नए फीचर्स देने का वादा किया है। इसमें 11 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। कंपनी ने 5 और 7 सीटर मॉडल के अलग अलग वेरिएंट की कीमत 15 लाख से लेकर 22 लाख तक तय की है। एमजी ने नई हेक्टर से पर्दा उठाने से पहले अपनी विजेंट स्पोर्ट्स कार का शोकेस किया। हरे रंग की यह विजेंट कार बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही थी। इसे पहली बार ऑटो एक्सपो में लाया गया है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।